ये है नई एप्पल वॉच सीरीज 8 और नए एयरपॉड्स प्रो। इस बार इन दोनों में जितने चेंजेस हैं वो भाई बाहर से नहीं दिख रहे, बाहर से ऑलमोस्ट सेम से दिखते हैं, बट अंदर अलग अलग फीचर ऐड करके भाई सारे बताते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले हम वॉच की अनबॉक्सिंग, बैक साइड में खोलो, ये देखो क्या अनबॉक्सिंग। यहाँ पे देखो घड़ियां बन रखी है, और ये हमारी घड़ी, ये हमारा स्ट्रैप। सबसे पहले स्ट्रैप खोलेंगे, मिडनाइट स्पोर्ट्स बैंड, डार्क ब्लू कलर का स्ट्रैप है, काफी प्यारा सा लग रहा है भाई। इस बार ये चीज बढ़िया लग रही है भाई, एक छोटा स्ट्रैप दे रखा है, एक बड़ा वाला स्ट्रैप दे रखा है। और ये है हमारी नई एप्पल वॉच, ये वाली मतलब मिडनाइट ब्लू कलर में भाई, ये एक्चुअल वॉच, बाकी सब तो बस दिखाने का है। सेम ही चार्जर जो आपको यूजुअली देखने में मिलता है, यूएसबी टाइप सी में आपको खुद कनेक्ट करना पड़ेगा, बट केबल दे रखी है चिपकाने के लिए, बट एक्चुअल चार्जर मतलब जो ऐसे प्लग लगता है वो नहीं दे रखा। इस बार एप्पल ने 3 वॉचेस लॉन्च करी है, एक एप्पल वॉच एसी, एक अल्ट्रा जिसमें भाई एक्सट्रीम लेवल फिटनेस वाले फीचर है, एक जो सीरीज 8 है जो हम अनबॉक्स करने वाले। ये वाली एप्पल की प्रीमियम वॉच है जो आप डे टू डे में भाई पहन के मजे कर सकते हो। एप्पल वॉच सीरीज 8 में जैसे कि आप देख सकते हो ज्यादातर ऐसे कोई विजुअल चेंजेस नहीं है वॉच 7 से अगर आप कंपेयर करो। साइज ऑप्शन इसमें भी सेम देखने में मिलता है, 41 mm 45 mm जो ऐसे यूजुअली आता है, वही सिमिलर कर्व डिजाइन वाला डिस्प्ले है एक डिजिटल क्राउन के साथ। अगर आप नोटिस करोगे इसमें एक रेड सर्कल सा बना हुआ है, ये इसलिए क्योंकि हमारा LTE वाला वेरियंट है। इसमें मतलब ई सिम आपने लगाई भाई, सिम लग जाती है यार, इसी से कॉलिंग वॉलिंग सब। एप्पल की स्मार्ट वॉचेस में काफी सारे छोटे छोटे टचेस रहते हैं, जैसे ये वाला वॉच फेस है, इसके अंदर में से डायल घुमा रहा हूँ ऐसे, ये नंबर वंबर भी अलग से घूम रहे हैं, मजा आ रहा है, और एक अलग सी थोड़ी प्यारी सी वाइब्रेशन भी है। और एक चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इस क्राउन को घुमाने में ना हल्का सा रेजिस्टेंस फील होता है, ऐसे अगर मैं घुमा रहा हूँ चर चर वाली फील आ रही है थोड़ी सी, मतलब आवाज नहीं आ रही, बट लेकिन सब समझ रहे हो ना दिल की बात, बट एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है, ये प्लेन बस घूम रहा है, ये पूरा वाइब्रेशन मोटर से करा जा रहा है, हल्का चर ऐसे करके वाइब्रेशन हो रही है भाई, ऐसा लग रहा है भाई घूम के कुछ हो रहा है अलग सा। यार स्मार्ट वॉच क्रैक रेजिस्टेंट है, वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है। इस वाली स्मार्ट वॉच के अंदर एक S8 सेंसर भी लगा रखा है, आपको लगे भाई अपग्रेड हो गया कुछ फर्क आएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस और बैटरी हमने चेक करी, ऑलमोस्ट सिमिलर सी लगी हमको पुरानी वाली सीरीज से, बट अभी भाई डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा स्मूथ फील होती है, और कहीं पे भी लैग या डिले नहीं देखने को मिलता, और ऑफ कोर्स आप गेम तो चलाओगे नहीं स्मार्ट वॉच, तो चले यार परफॉर्मेंस कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 नए टेम्परेचर सेंसर भी ऐड कर रखे हैं, तो बुखार उखार होगा पहले बता दें, एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेक करा मतलब आपका सर गर्म होने वाला है कि नहीं होने वाला, ये पहले बता दें आप कि भाई मत निकलो बाहर दिक्कत है। वॉच अगर आप पहन के सोते हो तो हर 5 सेकंड पर आपका टेम्परेचर चेक कर सकती है वाली स्मार्ट वॉच, बहुत ज्यादा तेज है, काफी ज्यादा मस्त है भाई। लड़कियों की भी जो मेंस्ट्रुअल साइकल्स होते हैं उसको ट्रैक करने में काफी इंप्रूवमेंट्स इस बार देखने को मिली है, और जो काफी सारे और सेंसर्स ऐड करे हैं उसकी वजह से भाई ट्रैकिंग डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है। इसमें जो टेम्परेचर सेंसर है वो बस तभी काम करता है जब आप सो रहे हो, वैसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक दो चीजें और इंप्रूव करी है, एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप। इस बार अगर आपने एप्पल वाले इवेंट देखो काफी ध्यान दिया गया सेफ्टी, एकदम सेफ, हम भी सेफ आप भी सेफ, तो एक्सेलेरोमीटर से क्रैश डिटेक्शन ये कर लेती है, ऐसा फीचर है मतलब आप ना यूज कर तो बढ़िया। ये बेसिकली करेगा क्या, जब भी अगर आप ऐसी गाड़ी तेज चल रही है और एकदम से क्रैश कर जाती है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि भाई क्रैश हुई है कार आपकी, और ये ऑटोमेटिकली कॉल भी कर देगा भाई हम इसकी टेस्टिंग करने के लिए, ये लो गाड़ी ले आए हैं, अब गाड़ी पे वॉच बांध देंगे फिर चेक करते हैं। कुछ क्रैश डिटेक्शन नहीं हुआ भाई, ये मतलब इसका पोपट बनाना आसान है, एक बार फेंक के दिख। राहुल भाई कैच करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसको धोखा देना मुश्किल लग रहा है, मतलब कुछ होगा कि किसी इंटेंसिटी से मैं ट्राई करूंगा क्रैश करने। सोच समझ के बनाया गया भाई फीचर, ये नहीं हो पाएगा भाई हमसे, इसके लिए गाड़ी को क्रैश करके चेकिंग होगी भाई। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस बार वॉच ओएस 9 में भी काफी सारे फीचर्स ऐड करेंगे। सबसे पहला फीचर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आईफोन के साथ भाई इसके अंदर भी ऐड करेंगे डेफिनेटली भाई, काफी कूल सा ट्रांजिशन रहता है अगर आप वॉच को नीचे रख दो तो उठा लेते हो। नए वॉच फेसेस आपको देखने को मिलते हैं, नाइक के भी काफी सारे वॉच फेस ऐड करें जो काफी कूल से लग रहे हैं भाई, तो कस्टमाइजेशन में तो भाई मजा आ जाएगा। इसके साथ आपको इसमें एक लो पावर मोड भी देखने को मिलता है, इसमें सारे सेंसर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बैकग्राउंड सारी सब बंद, बट ऐसा नहीं है भाई वॉच 36 घंटे तक चले, लो मोड मतलब 36 घंटे बोला तो मतलब 24 के अराउंड चल जाती है, हमने जितना ट्राई करा। सुबह अगर मैं चार्ज करके पहन के जाता हूं तो शाम के 8 बजे तक फिर से चार्ज करनी पड़ जाती है। वॉच की एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि वॉच से अब आप स्क्रीनशॉट्स भी दे सकते हो, और एप्पल वॉच को आईफोन के पीछे लगा के आप भाई व्लॉगिंग भी कर सकते हो और कैमरा कंट्रोल्स के साथ ही, मेरे को सबसे ज्यादा कूल लगा था। अगर आपके पास एप्पल वॉच सीरीज 7 है या 6 है तो आपको ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा, काफी सारे छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं, ऑफ कोर्स क्रैश व्रैश से आपको एकदम दूर रखेगा, काफी सेफ्टी सेंट्रिक वॉच है। बट एक चीज है जिसमें डेफिनेटली भाई बड़े चेंजेस हैं, वो हैं नए एयरपॉड्स प्रो। फटाफट खोल लेते हैं, फ्रंट में जो एयरपॉड्स बने हैं वो थोड़े से उभरे उभरे से लग रहे हैं, लग रहे हैं। इसके साथ एक कलरफुल कुछ पुस्तकें देखने के लिए मिल रही हैं, जो पुस्तकें हम पढ़ेंगे यार क्यों पढ़ेंगे यार, ये है हमारे नए एयरपॉड्स प्रो। आपको लगे भाई देखने में तो सेम लग रहा है, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा मेटल का है, इसमें थोड़ा बताता हूँ किसके लिए। एयरपॉड्स आपको देखने मिलते हैं अलग अलग साइज, XS, SL, मीडियम नहीं है, या तो बड़ा या छोटा। आप पूछोगे मीडियम क्यों नहीं है, क्योंकि मीडियम लगा हुआ है ना। और ये हमारी भाई एप्पल वाली केबल, इसको मैं चुरा लूंगा, तो मैं सीधा सीधा बताता हूँ क्या चेंज है। सबसे बड़ा चेंज एक नई H2
चिताड़ कर रखी है। नए ऑडियो ड्राइवर्स हैं, आवाज में काफी फर्क है, माइक्रोफोन्स अपग्रेड कर दिए, स्पेशल ऑडियो अपग्रेड कर दिया, नॉइस कैंसिलेशन में बहुत ही बड़ा चेंज है और स्वाइप स्वाइप वाले एक दो जेस्चर डाल दिए। ये बेसिक था इसकी कहानी, पर दिखने में फर्क नहीं है भाई ज्यादा इसमें। ऑफकोर्स भाई राइट साइड में अगर आप देखो इसके अंदर आप धागा बसाओ गले में टांग लो, बाकी सारी चीजें सेम है। नीचे यहाँ पे ना आपको तीन नॉट्स दिखे, आपको लगे ये सब क्या ऐड करते हैं। ये स्पीकर ये भी खो जाना केस भी आवाज करता, बाकी सब चारों साइड से सेम सही लग रहा है। यहाँ पे ग्रीन पत्ती और ये है हमारे नए एयरपॉड्स। मैं पहली बार इनको अपने कानों में लगा रहा हूँ, मतलब सीधा बता दो मैं यूज कर चुका हूँ थोड़ा सा, एक बार टेस्ट भी कर लेता मैं अच्छे से। गाने जी के गाने सुनेंगे भाई, क्या आवाज है भाई, मजा आ गया यार। यहाँ पे ना हल्का सा ही डिजाइन में ये चेंज है कि मतलब थोड़े से काले काले अलग से लग रहे हैं। आवाज में डेफिनेटली हल्का सा चेंज है, जो क्लैरिटी है, जो थोड़ा साउंड स्टेज आता है, ऐसे ढोलक पीछे पड़ी है या फिर ऐसे पियानो सामने बज रहा है, तो जहां से रखी है वहां से ही आवाज आती है उनमें। हल्का सा बेस इंप्रूव्ड है, हल्की जो हाइज है वो इंप्रूव्ड है, हल्का सा मिड्स इंप्रूव्ड है, थोड़ी सी और रिफाइंड साउंड आती है। मतलब एयरपॉड्स प्रो पुराने वाले भी काफी ज्यादा तगड़े थे आवाज के मामले, बट ये उसका भी एक स्टेप अप है। ऑडियो की बात करूं ऐसे नहीं बहुत ज्यादा, अगर हाई वॉल्यूम में सुन रहे हो तो मतलब आपकी गुप्त बात तो नहीं सुनाई, ऐसा पता चल जाएगा भाई कोई तो म्यूजिक चल रहा है भाई कान के अंदर इसके। एक तो चीजें और काफी प्यारी ऐड कर रखी है, जैसे ये है पर्सनलाइज स्पेशल ऑडियो। तो अगर मैं सेलेक्ट करूं तो इसमें होगा क्या, ये कैमरे से मेरे पूरे फेस को रिकॉर्ड करके कि मेरा फेस कैसे स्ट्रक्चर्ड है, मेरे कान कैसे हैं और मेरी ईयर कैनाल किस शेप में, उस हिसाब से स्पेशल ऑडियो को क्रिएट करता है और साउंड और भी ज्यादा बेटर हो जाती है। एयरपॉड्स निकाल के रखने पड़ेंगे, स्टार्ट व्यू कैप्चर करना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं पता स्पेशल ऑडियो, मैं अगर ऐसे सामने फोन पकड़ रहा हूँ मेरे को ऐसा लगेगा भाई फोन के स्पीकर से ही जो आवाज आ रही है वही मेरे कानों में आ रही है और मेरे को पता भी नहीं चलेगा मैंने ईयरफोन्स पहने। इसमें आपको तीन ऑप्शंस भी देखने के होते हैं, नॉइस कैंसिलेशन, ऑफ और ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहले जो ट्रांसपेरेंसी मोड है उसमें भी हल्का सा फर्क है, और इसमें होता है जो चीजें मैं बोल रहा हूँ इसके माइक से रिकॉर्ड होते हैं ऑलमोस्ट मुझे नेचुरल साउंड आ रही है। ट्रांसपेरेंसी मोड भी अडैप्टिव है, तो अगर समझ लो ऐसे लाउड म्यूजिक बज रहा है ऐसा कुछ भी है उसी के हिसाब से वैसे अडैप्ट कर लेता। डेफिनेटली भाई एप्पल ने जो डेवलप करा है वो अभी तक का बेस्ट है किसी भी ईयरफोन में। दूसरा है नॉइज कैंसिलेशन, एयरपॉड्स प्रो की इससे पहले वाले जो थे उनकी नॉइज कैंसिलेशन ऑलमोस्ट टॉप पे थी जितने भी ईयरफोन थे उनमें, बट ये वाले उससे टू टाइम्स बेटर है। जब हम एप्पल पार गए थे तो वहां पे हमने ये एयरपॉड्स ट्राई करे थे और उस रूम के अंदर 700 लोग थे, उन 700 लोगों की आवाजें थी एयरपॉड्स लगाते भाई, वो 700 लोग गायब, और वो मुझे बहुत बड़ी बात लगी। और ये सारी चीजें इसलिए भी हो पा रही क्योंकि इनके जो माइक्स हैं इसको काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया, तो ये आवाज सुनते बढ़िया है और उसको ऐसे कटआउट भी बढ़िया कर देते हैं। क्या ट्रेन दौड़ जा रही है भाई, आवाजें काफी ज्यादा आ रही है, बट इन आवाजों का हम असली चेकिंग करने के लिए, मतलब आपको कैसा फील होगा। ओहो, मेरे को अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही, बिल्कुल सन्नाटा तो नहीं है बट ऑलमोस्ट सन्नाटा हो जाता है। इन वाले एयरपॉड्स के अंदर भाई बैटरी लाइफ भी इंप्रूव कर दी है, अब 6 घंटे तक आराम से चल जाते हैं। एक दो चीजें और भी ऐड करी है, आप ऐसे ना स्वाइप वाले जेस्चर्स भी आप यूज कर सकते हो, और जैसे मैं स्वाइप करता हूं ना तो ऐसे आवाज आती है, जैसे मैं टच कर रहा हूं तो ऐसे टिक आवाज आती है, स्वाइप कर रहा हूं तो ऐसे डुक 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 ऐसे आवाज आती है, और ये थोड़ी डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स हैं तो एक्चुअली पता भी चलता रहता है कि हाँ भाई कब स्वाइप कर रहे हैं कब कुछ कर रहे हैं। और इन सारी चीजों को आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे अगर आपको प्रेस एंड होल्ड वाला चेंज करना है तो आप नॉइस कंट्रोल के लिए कर सकते हो, सीरी के लिए कर सकते हो, और लेफ्ट राइट दोनों को कस्टमाइज कर सकते हो। और एक चीज मेरे को और इंटरेस्टिंग है, अगर आपके खोते रहते हैं एयरपॉड्स तो आपके बहुत काम आएगा, ये लेफ्ट वाले को राइट वाले को और केस को तीनों को अलग से ट्रैक करता भाई है भाई, तो इस केस में भी आवाज बजती है। एक चीज और मेरे को काफी तगड़ी लगती है एयरपोर्ट साथ, आप भाई कनेक्शन रेंज टेस्ट करने हम चलते हैं नीचे और देखेंगे कितने डिस्टेंस तक कनेक्टेड रहता है। हमने एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक जाके देखा जिसकी डिस्टेंस अराउंड 30 मीटर है और तब भी कनेक्टेड थे एयरपोर्ट, बट थोड़ी सी और दूर जाने पर डिस्कनेक्ट हो गए थे। देखो मैं एकदम सीरियसली बताता हूँ, अगर आपके पास कोई एयरपोर्ट्स नहीं है, आपको एयरपोर्ट्स खरीदने जाना है भाई, डेफिनेटली भाई ये बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं मार्केट में। और नॉट जस्ट एयरपोर्ट्स भाई, ये फीचर्स के मामले में, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, जो एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करते हैं, मैं डेफिनेटली बोलूंगा ये बेस्ट ईयरफोन्स हैं इस टाइम पे मार्केट के अंदर। बट उसके साथ साथ पैसा भी उतना ही देना पड़ता है। अगर आपके पास पहले एयरपोर्ट्स प्रो पड़े भी हैं और आपको अपग्रेड करना है तो डेफिनेटली एक अच्छा अपग्रेड हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक दो और छोटी छोटी चेंजेस हैं, आपको इसको एप्पल वॉच के चार्जर से भी आप चार्ज कर सकते हो, मैक्स सेफ अगर आप रख दो तो ऑफकोर्स हो ही जाता है। ये नए एयरपॉड्स का इंडिया में प्राइस 27,000 रुपए पड़ता है, एप्पल वॉच का इंडिया में प्राइस 45,900 रुपीज से स्टार्ट होता है 41 mm के लिए, और 45 mm के लिए 48,900 रुपीज में। और एक चीज और काफी बढ़िया अपग्रेड हो सकता है वो है नीचे टेक बटन का सब्सक्राइब बटन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।